गाइस आज के इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को बनाकर दिखाने वाला हूं वो इस टाइप का बैनर है। ये एक सिंपल से इमेज से मैंने इस टाइप का एक मोशन बैनर बनाया है और आज के बाद से जितने भी डिजाइन आइडिया मैं इस सीरीज में शेयर करूंगा सबको मोशन बैनर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो गाइस उसके लिए आप लोगों को मोशन ग्राफिक का बहुत ज्यादा नॉलेज होने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो भी आप इस टाइप के बैनर बना सकते हो, यही इस सीरीज का मेन मोटिव है। वैसे सबसे पहले इस पिक्चर को हम एक बैनर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे किस किस एलिमेंट का मैं यूज कर रहा हूँ वो भी सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। उसके लिए सबसे पहले मुझे इसका बैकग्राउंड हटाना पड़ेगा जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे हटा के रखा हुआ है और मैं सिंपल पेन टूल्स हटाता हूँ। तो गाइस मैं जब भी बैकग्राउंड हटाता हूँ मैं पेन टूल से ही हटाता हूँ, उसके अलावा मैं कोई भी टूल यूज नहीं करता। तो आप लोग इसको भी पेन टूल से हटा सकते हो, ठीक। इसके बाद मैं यहाँ पे एक नया शीट ले रहा हूँ, 960x960 का रेजोल्यूशन 100 रख रहा हूँ मैं, ठीक। अब मैं सिंपली इस पिक्चर को यहाँ पे ड्रैग करने वाला हूँ। ये सब आप लोगों को पता ही है कि कैसे ड्रैग करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ठीक। अब मैंने इसको यहाँ पे साइज थोड़ा इंक्रीज कर दिया। बैकग्राउंड में यहाँ पे येलो ले रहा हूँ क्योंकि येलो बैकग्राउंड ट्रैवल में काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है, ठीक है। तो गाइस इस इमेज के पीछे मैं एक वर्ल्ड मैप लगाने वाला हूँ जिसका फाइल ऑलरेडी मेरे पास है। आप लोग चाहो तो इसको इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सिंपल मैं इसके पीछे लेके जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ, ठीक। एक और मैप दो पार्ट मैंने डिवाइड किया है, इसको भी यहाँ पे प्लेस करता हूँ, ठीक है। ओके, तो गाइस इस मैप पे मैं एक छोटा सा इफेक्ट अप्लाई करने वाला हूँ। उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड में डी प्रेस करना पड़ेगा और जैसे आप डी प्रेस करोगे यहाँ पे ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, ठीक। तो गाइस उसके बाद आपको जाना है फिल्टर और फिल्टर में जाके फिल्टर गैलरी, अब वहां पे जाके ये हाफ टोन वाला जो पैटर्न है वो यहाँ पे चूज करना है। ये आपको स्केच में जाके हाफ टोन पैटर्न चूज करना है, ओके। तो ये कुछ इस टाइप का इफेक्ट डल जाएगा, ठीक। दूसरे के साथ भी मैं सेम वही चीज अप्लाई करने वाला हूँ। तो इस टाइप पे आ गया। अब इसकी मैं ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर देता हूँ, अराउंड 40%, ठीक है। तो ये कूल सा एक इफेक्ट बन रहा है, अराउंड 40% इसका भी डाउन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो ये बहुत ही एक कूल टाइप का एक इफेक्ट बन रहा है जो कि देखने में भी काफी सही लग रहा है। अब मैं पेन टूल का यूज एक लाइन ड्रॉ करने के लिए करूंगा। सबसे पहले आपको पेन टूल पे जाना है, उसके बाद मैंने यहाँ फिल को कर दिया है ब्लैंक, ठीक है। स्ट्रोक का मैंने ले लिया व्हाइट और लाइन जो है मैंने यहाँ पे सेकेंड वाला चूज कर लिया है। तो कुछ इस टाइप से आपका लाइन ड्रॉ होगा, आप ये देख सकते हो कुछ इस टाइप के आपको इफेक्ट बनेंगे, ठीक है। ओके, तो गाइस सीधा पेन टूल पे चलते हैं और पेन टूल पे जाके मैंने एक इस टाइप का एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब देख सकते हो कि एक इस टाइप का लाइन एक ड्रॉ हो रहा है। इसको मैं इस सब्जेक्ट के ठीक पीछे लेके जाऊंगा, इसको ठीक सब्जेक्ट के पीछे लेके जाऊंगा और इसका थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट भी यहाँ पे ठीक कर लूंगा और इसकी साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। तो ये कुछ इस टाइप से अभी दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पे एक छोटा सा प्लेन प्लेस करना है, तो सिंपली मैंने मेरे पास एक प्लेन का आइकन है और इसको सीधा मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। और गाइज अभी ये सिर्फ डिजाइन बना रहे हैं, फिर हम इसको एनिमेट भी करेंगे, वो भी काफी इजी तरीके से। इसके लिए आपको मोशन ग्राफिक का बहुत ही ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, सिंपल आपको की फ्रेमिंग का नॉलेज होना चाहिए और आप इससे अच्छा डिजाइन बना सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको सीधा कलर ओवरले में जाके इसको सीधा व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है जैसे प्लेन यहाँ जा रहा है और ये बढ़िया इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब सेकंड चीज़ है, मुझे अब यहाँ पे एक रियल प्लेन ऐड करना है जिसका मेरे पास पीएनजी पहले से है, ठीक है। कुछ इस टाइप से मैंने यहाँ पे प्लेन ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये देखने में थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। अब हमें यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है और उस टेक्स्ट लिखने के लिए हम एक स्पेशल फॉन्ट का यूज कर रहे हैं और जो फॉन्ट का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी फाइल है। तो गाइस फॉन्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, जस्ट मुझे टेक्स्ट ऐड करना है। तो टेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ BN एडवेंचरर करके, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ और ये फॉन्ट मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ इसीलिए ये फॉन्ट यहाँ पे आ रहा है।
और इस फॉन्ट को आप डाउनलोड करके आप भी इस टाइप से चीजें बना सकते हो। ठीक है, इसका मैं सिंपली ए को स्मॉल कर रहा हूँ तो ये कुछ इस टाइप से अभी कुछ बन रहा है। ठीक है, इसको सबसे नीचे ले जाता हूँ और इसको यहाँ प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा टेक्स्ट लिखने की बारी है, सीधा मैंने यहाँ पे सेकंड टेक्स्ट ऐड कर दिया और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लिया। ठीक है, तो अब ये कुछ इस टाइप से अभी कुछ दिख रहा है, थोड़ा सा प्लेन को नीचे। ठीक है, और देखने में अब ये मुझे कूल लग रहा है। ठीक, अब फाइनल चीज यहां पे मैं अपना एक लोगो ऐड कर देता हूं, सिंपली अपना यहां पे लोगो ऐड कर देता हूं। ठीक है, अब हम इसको एज ए PSD सेव करेंगे और सीधा प्रीमियर प्रो में इसको ओपन करेंगे, वहां पे हम इसको एनिमेट करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को आफ्टर इफेक्ट आता है तो आफ्टर इफेक्ट में भी कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को आफ्टर इफेक्ट नहीं आता, इसीलिए मैं प्रीमियर प्रो में यूज करके दिखाता हूं, क्योंकि प्रीमियर प्रो थोड़ा ईजी है और आप लोगों में से बहुत सारे लोग भी कर सकते हो, उसके लिए वही बहुत ज्यादा नॉलेज की भी जरूरत नहीं है। ठीक, और जो भी चीज यहाँ पे यूज होती है वो तो फाइल में आप लोग ऑलरेडी देता ही हूँ, तो हम यहाँ पे इसको सेव करेंगे। ठीक है, बैनर नाम से मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। ठीक, अब उसके बाद सीधे चलते हैं प्रीमियर प्रो में। उससे पहले आप लोगों को मैं एक फ्री में एक प्रीसेट दे रहा हूं जिसको आपको प्रीमियर प्रो में इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आपको उस टाइप के टेक्स्ट का जो बाउंसिंग वाला इफेक्ट है तभी आप क्रिएट कर पाओगे। तो ये फ्री फाइल है, जस्ट आपको डाउनलोड करना है और उसको इंपोर्ट करना है। ठीक, कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। सीधा चलते हैं प्रीमियर प्रो में। मैं प्रीमियर प्रो का 2019 वर्जन यूज कर रहा हूं। हम लोग यहाँ प्रीमियर प्रो में आ चुके हैं और मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है। अब हमें एक नया सीक्वेंस लेना है सेम साइज में, तो यहाँ पे सीक्वेंस में गए और सीक्वेंस में जाके आपको सिंपली सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके आपको कस्टम सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है 960x960 जो हमने वहां पे साइज लिया था बैनर का। ठीक है, तो हमारे पास इस टाइप से एक टैब खुल के आ गया। अब हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे करना है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बैनर को यहाँ पे इम्पोर्ट करना है। ठीक है, जब आप इम्पोर्ट करते हो तो आप लोगों को पता है यहाँ पे इंडिविजुअल लेयर करना है, इंडिविजुअल लेयर और यहाँ पे ओके। ठीक है, तो आप देख सकते हो इतने सारे लेयर यहाँ पे इम्पोर्ट हो गए। सबसे पहले हमको बैकग्राउंड को ड्रैग करना है, तो जिस सीक्वेंस में यहाँ पे इम्पोर्ट हुआ है उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे ड्रैग करना है। ठीक, तो सबसे पहले बैकग्राउंड, उसके बाद मैप 1, मैप 2 और इसको मैं सिर्फ 10 सेकंड का ही बनाऊंगा, इससे ज्यादा का मैं इसको नहीं बनाऊंगा। तो हमने यहां पे सबको ड्रैग कर लिया तो अभी कुछ इस टाइप का दिख रहा है। ठीक है, जैसा फोटो समय बैनर बनाया था सेम टू सेम ये वैसा ही लग रहा है। तो गाइस, अब हमें यहाँ पे इसको एनिमेट करना है जो कि देखने में बहुत कूल और ट्रेंडी भी लगे। तो प्रीमियर प्रो में जो इफेक्ट्स आते हैं वो बहुत ज्यादा बोरिंग है, इसलिए मैं आज आपको एक नया इफेक्ट दे रहा हूं। आपको सिंपली उस इफेक्ट को डाउनलोड करना है, फिर यहाँ पे इफेक्ट्स में जाना है, प्रीसेट पर जाना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे करना है इम्पोर्ट प्रीसेट। ठीक है, और ये रहा आपका प्रीसेट, यहाँ पे टेक्स्ट स्विंग पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये इम्पोर्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे स्विंग सर्च करोगे तो ये आपका आ गया। ठीक है, मेरे पास पहले से था इसलिए दो बार आ रहा है। तो सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को एनिमेट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैं सारे लेयर्स को फिलहाल बंद कर रहा हूँ, जिसको एनिमेट करना होगा उसी पे मैं यहाँ पे चेक लगाऊंगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट को एनिमेट करना बहुत ईजी है, सीधा आप यहाँ पे इफेक्ट प्लेस कर दो। ये स्विंग वाला इफेक्ट मैं सीधा यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ और ड्रैग करके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप का इफेक्ट बनाता है। ठीक है, ये देखो इस टाइप का यहाँ पे इफेक्ट बहुत कूल सा बना रहा है। ठीक, और ये मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, तो आप इससे बहुत सारी चीजें बना सकते हो, सिंपली आपको इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, ये देखो कितना कूल लग रहा है देखने में। अब मैप को एनिमेट करने की बारी है, तो मैप को मैं सीधा इस तरफ लेके जा रहा हूं, पोजीशन यहां पे दबाया, एनिमेशन स्टार्ट, यहां पे गए और इसको यहां पे लेके आ गए। ठीक है, तो अब इसको प्ले करोगे तो कुछ इस टाइप से आ रहा है। ठीक है, अब इसको अगर स्पीड करना है तो थोड़ा सा आप इसको पास कर दो और स्पीड करना है और पास कर दो। ठीक है, अब मैं दोनों को सेलेक्ट करके यहां पे कर देता हूं इज इन, तो इसमें जो एनिमेशन है स्मूथ हो जाती है काफी। अब दूसरे मैप के साथ भी वही करूंगा, इसको इस तरफ लेके जाऊंगा, पोजीशन थोड़ा सा आगे, इसको यहां पे कर दिया,
दोनों को सिलेक्ट करके ईज इन। अभी ये थोड़ा सा स्लो आ रहा है, तो जैसे जैसे उसमें किया था सेम यहां पे भी वैसे करूंगा। ठीक है ठीक है, मैं इसको जूम करके दिखाता हूं कि क्या हमने क्या किया अभी तक। ठीक है, तो ये देखने में काफी कूल लग रहा है। ओके, तो हमने यहां पे तीन लेयर का एनिमेशन कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एनिमेशन की तरफ, जो है यहां पे प्लेन। सिंपली मैं इस प्लेन का जो बनाया था एक आइकन टाइप का, उसको यहां विजिबल कर रहा हूं और इसको भी मैं यहां पे एनिमेशन करूंगा। इसके लिए मैं मास्किंग का यूज करूंगा बेसिकली। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले यहां पे गए आप, जैसे आप इफेक्ट कंट्रोल में जाओगे यहां पे ओपेसिटी के नीचे आपको ये तीन चार बॉक्स दिखेंगे जो कि एक मास्किंग है। ठीक है, तो मैं यहां पे ये राइट एंगल बॉक्स यहां पे पिक कर रहा हूं। ठीक, जब इसको आप मूव करोगे तो देख रहे हो जैसे जैसे जहां जाएंगे जा रहा है वहां वहां ये विजिबल हो रहा है। इसके बीच में जितनी भी चीजें हैं वो यहां पे विजिबिलिटी यहां पे दिख रही है। ठीक है, अब मैं यहां पे क्लिक किया, उसके बाद यहां पे मास्क का पाथ ऑन कर दिया। मास्क पे गया थोड़ा सा आगे और यहां पे फर्स्ट, यहां पे चार पॉइंट है बेसिकली। तो यहां पे मैं फर्स्ट पॉइंट को यहां तक लूंगा, उसके बाद सेकंड पॉइंट को मैं यहां से आराम से इसको इस तरीके से यहां पे करूंगा। ठीक है, जब आप इसको प्ले करोगे तो ये इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, जो कि देखने में आप ठीक लग रहा है ना। तो हमने यहां पे एक प्लेन का भी अब हमने यहां पे एनिमेशन कर लिया। थोड़ा सा इसका गैप बढ़ा देता हूं कि आराम से ओपन हो। ठीक है, अब बारी आती है हमारे टेक्स्ट की सीधे। तो टेक्स्ट का मैं यहां पे बॉक्स ऑन करूंगा, है ना। फर्स्ट टेक्स्ट है हमारा बी एन, उसको मैं थोड़ा सा आगे ले आता हूं और सेम टेक्स्ट स्विंग का फ्रंट वाला इफेक्ट यहां पे प्लेस कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद एडवेंचर को थोड़ा सा और आगे ले आता हूं और इसका यहां पे बैक वाला इफेक्ट डालूंगा। ठीक है, अब इसको एक साथ प्ले करके देखता हूं। ठीक है, देखने में ये ठीक लग रहा है, जूम करके देख लेते हैं, देखने में ठीक लग रहा है। अब जो हमारा मेन प्लेन है, ठीक है, इस वाले प्लेन को हमें एनिमेशन करना है। तो क्या इसको एनिमेशन उसी सिंपल टेक्निक से करेंगे, इफेक्ट कंट्रोल, और यहां पे पोजीशन है इसका यहां पे कर लेता हूं और इसको ड्रैग करके सीधा इस तरफ लेके जा रहा हूं। ठीक, यहां पे मैं रोटेशन जितने भी यहां पे एंकर पॉइंट वाले ये है सबको यहां पे ऑन कर देता हूं थोड़ा सा आगे और इसको सीधा इसको यहां तक मैं इसको ले आता हूं। ठीक है, अब यहां पे ऑन करके आप देखो ये आराम से आ रहा है, देख रहे। ठीक है, अब मैं यहां पे इसको थोड़ा सा यहां पे एक स्टॉप देता हूं, सिंपली एक स्टॉप थोड़ा आगे करके और मोशन पे क्लिक करके थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देता हूं। ठीक है, तो ये आने के बाद भी हल्की हल्की चलेगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दो कि ये थोड़ी स्पीड स्लो हो जाए। ठीक है, अब यहां पे तीनों को सिलेक्ट करके सिंपली यहां पे कर दिया ईज इन। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा स्मूथ होगी। ठीक है, साउंड इफेक्ट का मेरे पास एक फाइल है और ये रहा एक साउंड, इसको मैं यहां पे सिंपली प्लेस कर रहा हूं। तो ये कुछ इस टाइप से भी प्ले होगा, इसका मैं साउंड इंक्रीज कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, अब यहां पे ऐसी जगह पे मैं यहां पे लगाऊंगा कि एकदम परफेक्ट मैच हो जाए। और बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने के बाद आपका ये बैनर कुछ इस टाइप से ये लगेगा। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से ये। तो गाइस आपने देखा ये कितना सिंपल था। मेन है आपका डिजाइन करना कि आप किस टाइप से डिजाइन करते हो। और इस जितने फाइल यहाँ पे यूज हुई है आप सबको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, है ना। और कुछ नया क्रिएट करो और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो क्योंकि मैं वहां पे ऑलमोस्ट सभी सवालों का आप लोगों का जवाब दे देता हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।